सृष्टि मैम, सावन के इस खूबसूरत माह में कुछ बताइए और कुछ सुनाइए। सबसे पहले तो हम अपने लोग की तरफ बढ़ते हैं और लोग की अगर बात करें तो सावन का महीना आ चुका है। आपको पता है कि चैत, जेठ, बैसाख इस सब के गर्मी झेलने के बाद जब सावन आवेगा तो मन कितना खुश हो जाला। हर जगह हरियाली दिखाई देने लगेगा, बारिश से मन आनंदित हो जाला, कई सारा मन में टेंशन रहेगा। खासकर हमने के जब गाँव में औरत को बोला कि बचपना जिंदा हो जाला, बचपना वो रूप में जिंदा होना कि गांव में बड़े बड़े पेड़ मिले लहसुन उस पेड़ के लोग झूला लगा के झूले के शुरू कर देगा, कोई गजरी गावेला, कोई बारहमासा गावेला। तो सावन जब भी आवेला अपना आप में बड़ी मतलब खूबसूरती लेके आवेला, एमे कोनो दूराय नहीं थे। और कहा जाला कि प्रकृति की खूबसूरती जितना खूबसूरत प्रकृति दिया उससे कहीं ज्यादा और खूबसूरत हो जाए सावन के महीना। और ये सावन मन देखे गजरी गाई जाता एगो सुना दी। सावन रे सखी सर्वे सुहावन, रिम झिमा बरसला मेघ हे, सबके बलम सखी घर घर अइले, अमर पिया करे बना देश बहुत सुंदर। सावन में सबके पिया जी भरियावेला सबको बहुत इंजॉय करता। तो एमेजॉन भी नायिका पिया हमारे बारे में बताओ मेरे पर कि बहुत बुरा हमारा लगा था कि सबके मतलब जे पिया जी बरन साथे बरन बहुत अच्छा समय बन लेकिन हमारे पिया परदेश। तो सावन एक तरह से कहा जा सकेला कि सबके एक जगह होके के समय होला, सबके खुशहाल होके के समय होला, हर जगह हरियर हरियर होला, चीज़ बहुत ही प्यारा होला हर सावन में। बाकी बाद में हमने एक वीडियो डाला जो भी हमने बातचीत हुई अगला कहीं में लेके आऊंगी।